हरिओम बंधु मधुस्मिता यूट्यूब चैनल गार्डनिंग ओडिशा को आपण मानक स्वागत करुच्छी। आशा करुच्छे बंधु मैंने समस्ते भल थे सुस्थ थे। बंधु मैंने यहाँ हूँ बर्षा दिन आसीगला तो बर्षा दिने आमर गच्छ माने कौन प्रकार लिक्विड फर्टिलाइजर आवश्यकता करती ना। वर्तमान आम जदि कौन प्रकार लिक्विड फर्टिलाइजर गच्छ को देउचे तो तार साइड इफेक्ट पड़ पारे गच्छ उपरे। जेहेतु वर्षा पानी रे आमर किछि एमिति स्पिरिट आसुची कि सेटा माने कीटनाशक भी कह जाय परिबो आउ गच्छर ग्रोथ पई भी बहुत भल काम दिए वर्षार पानीटा। तो कौन प्रकार फर्टिलाइजर आमको वर्तमान गच्छर दबार आवश्यकता ना। आपण मैंने कौन प्रकार फर्टिलाइजर गच्छर दिंतु ना। तो बंधु मैंने चलतु देखा मो छात उपर कि मो बाड़ी रे मु कौन कौन सब पनीपरिया आ फल गच्छ मु लगे आई पनीपरबार मंजी आप लगे पारे से विषय में आलोचना कर। देखो तो यहाँ मोर अंलार गच्छ आगुड़ा सब मुझे बैगणर गच्छ ये लगे। तो आपण मैंने वर्तमान बैगण गच्छ लगे पारे भेंडी गच्छ लगे पारे जेहेतु बर्षार बर्षा सीजन रे सबू पनीपरबार गच्छ लग जाए। बैगणर गच्छ आपोसी सीजन में लगे पारे सबु सीजन रे ग्रो हो जापे बैगणर गच्छ भेंडीर गच्छ। तो वर्तमान वर्षा सीजन रे बहुत प्रकार पनीपरिया लटा जातीय पनीपरबार गच्छ लग जाए जमती कि आमर काकुड़ी जन्ही आमर छचिंद्रा लाऊ बोईती कखारु पानी कखारु एमती विभिन्न प्रकार पनीपरबार गच्छ वर्तमान लग जाए। तो देखु ये मोर गोटे सपुरीर गच्छी आईपटे भी आउ कि बैगणर गच्छ मुझ लगे आई कलरा। हाँ वर्तमान आप कलरा भी गच्छ लगे पारती कलरार गच्छ माने पत्र गुड़ा कर्ल होता आउ जल्ला टाइप रोला अतिरिक्त खरारे। तो वर्षा पा पड़ा पर तार टी इम्प्रूव हो पत्र ग्रीन आसे कर्ल होता जो पत्र टी कमी। तो देखो यहीटा मोर शीत दिन कैप्सिकम गचटा एपर्तंत रही आउ कैप्सिकम बड़ बड़ होमती छोट छोट कैप्सिकम होड हवाक लगुच। तो ये देखते बहुत सारा सपुरी गच्छ लगी किंतु एपर्तंत तीन टा सपुरी हो सारा कितु आम गोटे भी एपर्त खाईपार न कारण माकड़ मैंने आम खाया पूर्व से मैंने खाई। ये मुझे दुटा लेंबू गच्छ लगे जोड़ा कि कढ़ आसी छोट छोट कषी दीटा होता कितु खरार सी नष्ट झड़गला। आठ गोटे डालिंब गच्छ आईटे देखते के बड़ गोटे सपेटार गच्छ। बंधु मैंने आपते बड़े भी एमती यही बड़ बड़ फल गच्छ लगे तो निहाती आपण 15 इंच किंबा 18 इंच रो ग्रो ब्याग्रे लगातु कारण ताकु सफिसीयंट माटी दरकार तार चेरटा भल भाव ग्रोथ हाँपाई सफिसीयंट माटी दरकार। तो यहीटा बंधु मोर हूँ गोटे गोड़ीमाणिकर गच्छ जोटा कि खरारे ऊपर पत्र गुड़ाक सब नष्ट जली जाइला। तो ये पुणी नुआ नुआ ब्रांच तार आसुची यहाँ येलो कलर रो फुल हुए बहुत ही सुंदर देखा जाए गुड़ीमाणिकर फुल। आईटा हूँ गोटे चंपा काठ चंपार गच्छ रेड कलर रो बहुत सुंदर फुल आसे। आपण बिना केयर भी गच्छे बहुत सुंदर फूल आसीबो आउ जेते छोट जगार भी लगेले चलिबो बड़ जगार भी लगेले चलिबो आउ जेते खरार भी आपण रखिले फूल सेथरे फुटिबो। तो देखंतु बंधु माने एठी मु किछि काकुडीर गच्छ लगेछि आउ ए ग्रो ब्याग रे आउ तळे किछि सागर मंजी पड़िछि पाळंग आउ खडा। तो पाळंग गच्छ आकुर सेथरे थिला तो जोबले गच्छ सुखी गला तार मंजी मुझे झाड़ी देती तो एबे नुआ गच्छ उठी जाइछि पाळंगर। यहाँ हूँ काकुड़ीर गच्छ आपटे आमर काकुड़ी गच्छ देखते केते सुंदर भाव ग्रोथ आते बढ़िया भाव सेपटे ये देखु आमर खड़ार मंजी सेमती खड़ा गच्छ भी थिला तो ता मंजी गुड़ाक मुझे सैड्रे झाड़ी दे से बहुत सारा खड़ा गच्छ उठी जा। देखु आज मानने जो पाळंग मु तोलिक नेबी देखते केते बढ़िया भाव ग्रोथ आमर पाळंगर।
ଏମିତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏଇ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗରେ ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇବେ ତ ତା ମୂଳରେ ଏମିତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶାଗର ମଞ୍ଜି ବି ଆପଣ ବୁଣି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗଛ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଆସୁଛି ତାଠୁ ତ ଭଲ ଆମକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, ବରଂ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ହଉ ଛାତ ଉପରେ ହଉ ଏମିତି କିଛି କିଛି ପନିପରିବାର ଗଛ ଲଗେଇ ସେଠୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇବା ତ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଲଗେଇଥିଲି ତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ସେ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇକି ଖାଇଲେ, ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ବି ଭେଣ୍ଡି ରଖିବାକୁ ଦେଲେନି ତ ଗଛ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଶାଗ ଲେଉଟିଆ ଶାଗର ମଞ୍ଜି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଉଟିଆ କେତେ ଗଛ ସବୁ ଉଠିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି କୋଶଳା, ଆମର ଲେଉଟିଆ, କଳମ, ଖଡ଼ା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗର ମଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗଟା ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ଥିଲା ମୋର ଉଠିଯାଇଛି ଗଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି ଗଛ, କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ପାଳଙ୍ଗ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ। ପାଳଙ୍ଗ ତ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ପାଳଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଏବେ ପକାନ୍ତୁନି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପକେଇବେ ଆପଣ। ଏବେ ଏଇ କୋଶଳା, ଖଡ଼ା, ଲେଉଟିଆ, କଳମ ଏଇସବୁର ସୁନ୍ସୁନିଆ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ଗଛ ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଣିକି, ତ ଏଇଟା ସିଡ଼୍ସରୁ ମୋର ହେଇଛି ଆଉ ଛୋଟ ଗଛରେ ହିଁ ଫଳ ଫଳେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବାର ଗଛ ଲଗେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାକୁଡ଼ିର ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଥିଲି, ତ ଏଠି ସବୁ ଗଛ ମୋର ଉଠିଗଲାଣି। ଆଉ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ବାଇଗଣର ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମୋର ଫଳ ବି ଫଳୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଛ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଏମିତି ବାଇଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି କାକୁଡ଼ିର ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଜହ୍ନି ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗଛ ବି ଲଗେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି, ତିନିଟା ଗଛ ଉଠିଛି, ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗେଇ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ।